हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो हम फिर इस जगह पे पहुंच चुके हैं। याद आई कौन सी जगह है? कुछ दिन पहले जो हम मैकडॉनल्ड्स जा रहे थे तो रास्ते में ये नया खुला था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो शाम का टाइम था और घर में भी बोर हो रहा था, तो हमने सोचा चलो एक राउंड मार के आते हैं। ऐसे आज बच्चे नहीं आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और भाई तीनों ही आए। बस एक लॉन्ग ड्राइव टाइप आए थे हम लोग और बैठ के ऐसे निकल लिए, क्योंकि हमने कुछ ऑर्डर किया था और उन लोगों ने बोला कि आने में कम से कम 20 मिनट लगेगा। तो उन्होंने बोला ही 20 मिनट है तो उससे भी ज़्यादा लगेगा करके हमने बोला चलो कैंसिल कर दो, हम लोग यहाँ से खिसक लेते हैं करके। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर देने से पहले चेक कर रही थी एंड मैं जैसे थी बस ओनली कुर्ता ऊपर पहन के बस आ गई मैं। और बिंदी जो थी वो भी मेरी गिर गई, बहुत हवा चल रही थी और बिंदी इसलिए टपक गई लगता है। एंड कल सुबह हमको यहाँ से रवाना होना है, तो बड़ी ही सैड वाली फीलिंग आ रही है, बट जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। బయ చెప్పమ్మా, ఆ మామి ఎడుగు కాదు ఏరి, బయ చెప్పు, అయితే బయ చెప్పవా, చలో బాయ్ సీదర్ బాయ్। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग जो है वापस विजयवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ से निकलना, क्योंकि करीब करीब एक महीने से ऊपर हम लोग वहाँ रह चुके थे। एंड निकलने से पहले से हर दिन लगता था कि भाई एक दिन और रुक जाए। फाइनली आना तो था ही, सबको अपने अपने घर जाना ही है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ही है। निकलने से पहले मेरी भाई की, पापा की और मम्मी की आंखें थोड़ी थोड़ी सी नम हो रही थी, बट कोई बाहर मतलब दिखना नहीं चाहते कि हम इमोशनल है करके, यू नो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल। तो अभी हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं। मम्मी ने सुबह घर पे नाश्ता भी बना दिया था, पूरी और भुज्जी बनाई थी जो हम दोनों ने, तो खाली मेरे और मेरे हस्बैंड ने खा चुकी है। एंड बच्चों के लिए मम्मी ने बॉक्स में रख दिया है, आदित्य पीछे सो रहा है। अभिषेक तो वैसे बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए वापस, कि कब जाएंगे। अभी वहाँ जाने के बाद इसका जो रोना धोना स्टार्ट होने वाला है ना, वो बुरी तरह होगा, क्योंकि इसको मेन है कि भाई कार में बैठ के कहीं पे भी घूम लेना है। जब डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं ना, जब वहाँ पे रहते हैं, तब पूछता रहता है ये कब आएंगे वो कब आएंगे करके। तो फाइनली हम लोग निकल गए काफ़ी टाइम के बाद। बहुत लोग के सवाल थे कि आप वापस क्यों नहीं जा रहे। छुट्टियाँ बनाने आए हैं तो फुल छुट्टियाँ बना के ही जाएंगे। तो छुट्टियाँ ख़त्म और थोड़े दिन में जो है आदित्य का स्कूल भी रीओपन होने वाला है। तो आदित्य का कंपैरेटिवली बाकी स्कूल से थोड़ा लेट रीओपन होता है, बाकी सबके स्कूल से रीओपन हो चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो हम लोग भी इसलिए जा रहे हैं। और जाने के बाद इस छोटू को भी डालना है स्कूल में। अभिषेक,
పడుకోలేదు. అభిషేక్ సి హాయ్. అవి ధూప్ కి వజ సే ఆంఖో మే మత్లబ్ ఆంఖో మే ధూప్ పడ్ రహి ఇస్లియే థోడా స్టైల్ మార్ రహే హాయ్ బై నహీ కర్ రహే. ఔర్ కల్ భీ షామ్ కో మే ఐసే హీ థోడా బార్ బార్ ఘూమ్ కే ఆయే థే. కల్ భాయి నే భీ ఆఫీస్ సే ఛుట్టీ లే రఖీ థీ కి థోడా ఘర్ మే హమారే సాథ్ స్పెండ్ కర్ పాయే. తో సుబహే తో మేరా భాయి ఔర్ యే బాహర్ జాకే ఆయే థే. షామ్ కో ఫిర్ హమ్ లోగ్ ఐసే హీ థోడీ సీ డ్రైవ్ కే లియే చలే గయే థోడా బహుత్ ఘూమ్ కే ఆగే. తో చలియే అభీ జర్నీ కో కంటిన్యూ కర్తే హే. एंड उसके बाद जो भी चलता रहता है देखते रहिए. सो अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. तो जब हम ट्रेन में या बस में आते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं, और उसके बाद स्टेशन से या बस स्टॉप से घर जाने में और 1.5-2 घंटा लगता है. लेकिन जब अपने ओन व्हीकल में आते हैं तो 3.5-4 घंटे में जो है पहुँच जाते हैं. और साथ साथ ये देखिए माउंट ओपेरा गया है और रामोजी फिल्म सिटी भी जा चुका है. रामोजी फिल्म सिटी में शूट करना भूल गई. अभी जब जा रहे हैं तो रोड पे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लगता है कि शूट कर ही जाओ कर ही जाओ. फिर मुझे लगता है जब मैं शूट कर रही हूँ तो नहीं कहीं आप बोर ना हो जाओ जर्नी देख देख के. तो बहुत सोच समझ के मैं जो है शूट करती रहती हूँ. एंड हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे सूर्या पेट में. एंड यहाँ पे बन रही है चाय. सुबह नाश्ता तो कर लिया था घर में ही, तो हमने बोला चलो चाय पी लेते हैं. और यहाँ पे आ गया एक टोल गेट. उसके बाद जो है फिर एक जगह पर मेरे हस्बैंड रुके थे, क्योंकि नेचर का कॉल जो है भर भर आता ही रहता है. तो इसलिए जो है हस्बैंड उतरे थे. तो वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत सुहावना होने लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली है. तो यहाँ पे इनको ये व्यू दिखा तो इन्होंने ही जो उतर के बहुत अच्छा सा वीडियो निकाल लिया. और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम थोड़ा और आगे गए तो ये वाला भी व्यू काफ़ी अच्छा था, ब्रिज सा बना हुआ था. सो ऐसी ऐसी लोकेशन कभी कभी लगता है कि आंखों से तो अच्छी लगती है लेकिन कैमरा में जब कैप्चर करते हैं और उसके बाद इसको इस वीडियो के रूप में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और भी अच्छा लगता है. एंड हमारे पास ही एक मेमोरी की तरह रह जाती हैं ये सारी चीज़ें. जब भी हम ये वीडियो देखेंगे या कुछ भी करेंगे तब याद ज़रूर आएगा कि ये वो दिन था या वो दिन था करके. और अभी जो है थोड़ा सा हम लोग ऑयल डलवा रहे हैं गाड़ी में. तो पेट्रोल भंग वाले भैया जो है बहुत ही शंका की नज़र से मुझे देख रहे थे कि मैं उनका वीडियो क्यों निकाल रही हूँ करके. तो ये देखिए ये हनुमान मूर्ति है यहाँ पे, जो विजयवाड़ा के नज़दीक आते ही बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक दिखती रहती है. एंड इस जगह के आने से पहले बहुत दूर से भी दिखती रहती है. बहुत ही बड़ी मूर्ति है, पता नहीं कितने फीट की है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति है. आदित्य तो हैदराबाद में सोया है और विजयवाड़ा आने तक वो उठा ही नहीं है. उसने तो पूरे महीने की नींद जो है आज कार में ही खींच ली है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सोता नहीं था. जब देखो एकदम मचाता रहता था, खेलता रहता था, और कार में तो उसको एकदम मतलब पूरा सोने का चस्का लग गया, उठाने से भी नहीं उठ रहा था वो. एंड अभिषेक तो थोड़ी देर सोया पर वो उठा ही रहा पूरे टाइम पे. एंड अभी हंसेगा देखना वो.
तो फाइनली हम विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं और सिटी में भी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक, एंड पहले हमने सोचा कि घर चले जाते हैं, फिर घर जाने के बाद भी किसी और को बताना पड़ता कि खाना लेके आओ, कोई लेके आता, फिर खाते बहुत लेट हो जाता, और उसके बाद इनको हमें ऑफिस भी अटेंड करना ही था, इसलिए हम सुबह निकल गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो सीधा रेस्टोरेंट ही चल जाते हैं जो इनके ऑफिस के नज़दीक में होगा। तो हम सीधा इनके ऑफिस के वहाँ पे नज़दीक में पहले जो है रेस्टोरेंट में हमने जाने का सोचा, और उसके बाद जो है ये ऑफिस अटेंड कर लेंगे और सब लोग फिर वापस एक साथ जो है वापस घर आ जाएंगे करके ऐसे प्लान कर लिया। एक दूसरा रीज़न ये भी था कि इतने टाइम, मतलब करीब करीब एक महीने से ऊपर हम लोग मम्मी के घर रहे हैं और सीधा घर में उतरेंगे अगर मैं बच्चों के साथ उतरी, तो बच्चे छोटे हैं तो बहुत मतलब अजीब वाली फीलिंग आती है ना उनको। तो पापा भी दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे तो उनको इतना वो फील नहीं आएगा। तो मैंने बोला चलो अभी अकेले छोड़ने से अच्छा ना हम आपके साथ ही चलते हैं करके ऐसे प्लान किया। अभी ये देखिए ये आ गया है, बैरेज बोलते हैं इसको, वहाँ पर पुष्कर घाट है एंड यहाँ पर हमारी कृष्णा नदी है। वो देखिए कितनी बड़ी नदी है, ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मैंने सोचा चलो उतार के व्यू निकालते हैं, यहाँ से दिख रहा है देखिए, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर मैं बोला चलो रहने दो उतर के जाना क्या करके, क्योंकि लेफ़्ट साइड में बिल्कुल पानी नहीं था, राइट साइड में ही बहुत पानी था। जब ज़्यादा पानी बारिश बारिश आती है तब दोनों साइड हो जाता है। तो अभी हम इनके ऑफिस जा रहे हैं सेक्रेटरीट, एंड जाने के रास्ते में बहुत सारे खेत हैं और खेतों में जो है कहीं कहीं मतलब खेती बाड़ी की हुई है, और कहीं कहीं जो है ये अंगूर के वो लगा रखे हैं और केले के पेड़ लगा रखे हैं। तो इनके ऑफिस के साइड में ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम आ गए थे। तो पहले तो हमको एंटर किया, जैसे जब भी एसी चल रहा होता है कहीं पे भी एंटर करते हैं तो ठंडा लगता है, लेकिन बाद में कहीं कहीं पे हवाएं लगती है। तो पहले हम यहाँ बैठे हुए थे, फिर हमको हवा नहीं लग रही थी, फिर हमने दो तीन जगह चेंज करी, और उसके बाद जो है जब अच्छी खासी एसी की हवा लगी जहाँ पे, वहाँ पे हम सेटल हो गए। तो आदित्य ने बोला कि उसको एग फ्राइड राइस खाना है करके, हमने एग फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया, उसका फेवरेट है एग फ्राइड राइस। और काफ़ी टाइम हो गया था हमने भी एग फ्राइड राइस खाया नहीं था, हस्बैंड के साथ कुछ दिन पहले जब मम्मी पापा के साथ हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे तब भी आदित्य ने मिक्स्ड नॉनवेज वाला फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, वो तो उसी ने ही खाया था। एंड अभी यहाँ पे हम आ गए हैं ऑफिस के अंदर सेक्रेटरीट में, एंड बारिश थोड़ी देर पहले आके बंद हुई है, इसलिए थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है और घास भी पूरी गीली है, मतलब बहुत ज़्यादा गीली नहीं, बस ड्रिजलिंग टाइप हुई थी। तो इन दोनों ने यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। दोनों भागा दौड़ी कर ही रहे थे बस अप एंड डाउन, आदित्य भाग भाग के आ रहा था, उसके साथ साथ मैं अभिजीत भाग रहा था, तो बहुत थक जा रहा था। अभी देखना घुटनों पे हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा वो, सांस फूल रही है उसकी, लेकिन फिर भी रुकेगा नहीं, फिर वो भी भाग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है ऑलरेडी अंदर चले गए थे, कोई मीटिंग्स भी चल रही थी तो मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे। एंड अभी इन दोनों ने जो है पैर पसार लिए, मेरे को तो मन कर रहा था कि मैं भी लेट जाऊँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, फिर सोचेंगे पार्क में कौन लेटा हुआ है, घर के बच्चे लेटते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने जो है ऐसे देख के एंजॉय कर लिया, लेकिन बैठे 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 जर्नी पूरी बैठे बैठे होने के बाद बड़ी कमर दर्द होनी शुरू हो गई थी। सेक्रेटरीट में ऐसे हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स आते रहते जाते रहते, बहुत ऑफिशियल्स लोग आते रहते हैं, तो अगर आप एक बार वहाँ पे बैठ जाओ सामने किसी भी ब्लॉक के, तो आपको अगर मतलब
कवरेज जो है मीडिया वालों को बहुत अच्छी मिलती रहती है यहाँ पे, जो धरना करते हैं वो भी, अदरवाइज एवरीथिंग यहाँ पे चलता ही रहता है। तो ये दोनों मटरगश्ती कर रहे हैं और इसके बाद जो है थोड़े बहुत कुछ मैं भी कुछ मिनिस्टर थे कि कौन थे पता नहीं मुझे, उनके ड्रेस को देख के तो मुझे ऐसे लगा वो लोग भी वहाँ से जा रहे थे। और इसके बाद जो है इनका भी ऑफिस का जो भी काम था ख़त्म हो गया और हम भी थोड़ी देर के लिए कैंटीन में बैठ गए और चाय वाय पी के बस घर चल दिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।